हो गया ये ठीक। चलिए गुड आफ्टरनून बच्चे, होपफुली आपसे मिल नहीं पा रहे हैं फिर भी, चलो इसी तो इच्छा थी कि हम लोग को बहुत ही आराम मिलता था आप सामने होते थे, पढ़ाना आसान होता है, लेकिन फिर भी चलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट करें और आप भी देखो रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के आप सारा का सारा पॉइंट जो है अपने आप को उसको कैप्चर करने की कोशिश करोगे, और कोई डाउट होगा तो फिर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने डाउट हमें मैसेज कर सकते हो। ओके सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का लेक्चर। इससे पहले हम लोग क्या स्टार्ट सीख रहे थे, इससे पहले हम लोग सीख रहे थे रिगार्डिंग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कौन करता है, तो चार्ज करता है, चार्ज के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, चार्ज का डिफिनेशन, चार्ज क्या होता है, तो लाइक मास इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इस तरह से चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, चार्ज का चार्ज बॉडी करने का मतलब क्या है, किसी बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या फिर किसी बॉडी में कम इलेक्ट्रॉन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाता है, कम इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है, ये सब हम लोग सीख रखे थे पहले ही और आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे थे, तभी आपको फिर से रिकैप हो गया होगा। अब किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना है तो क्या करते हैं, तीन मेथड मैंने बताया था कि एक फ्रिक्शन के थ्रू फ्रिक्शन, दूसरा शेडिंग ऑफ चार्ज, तीसरा इंडक्शन, यहाँ तक हम लोग पढ़ रखे थे। ओके एंड देन हम पढ़ रखे थे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के बारे में भी हमने अच्छे से आपको डिटेल में बताया था कि किस चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है, अगर रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन देम क्या होता है, ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, बॉडी को भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं अगर दो बॉडी के बीच का सेपरेशन जो है बहुत ज़्यादा है तो। सो अच्छी बात है, ये सब फिर से आप रिकॉल कर लिए होंगे, एक चार्ज पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पढ़ लिया था आपने, चार्ज के एडिशन के लिए नॉर्मल अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, सिंपल अलजेब्रा, और चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, तो ये सब हम लोग सीख रखे थे। ओके चलिए आज हम बात करेंगे करेंट के रिगार्डिंग, आज से हम बात करेंगे करेंट के रिगार्डिंग। तो करेंट क्या होता है, इट इज समथिंग व्हेन ए चार्ज बॉडी, व्हेन ए चार्ज बॉडी मूव इन रीजन या मूव थ्रू अ स्पेस और रीजन देन इट कंस्टिट्यूट करेंट। ओके सो मैथमेटिकली सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि करेंट जो होता है क्या होता है, मोशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, एंड मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन भी करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज याद रखेंगे। सो करेंट का डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन चार्ज मूव्स इन अ स्पेस देन इट कॉन्स्टिट्यूट करेंट इन रीजन ऑफ अ स्पेस। याद रखेंगे चार्ज और करंट क्या है, डिफरेंट है, हालांकि मैथमेटिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, बट करंट इज डिफरेंट फ्रॉम चार्ज। सो आप सिंपली कह सकते हैं क्या होता है, ड्यू टू चार्ज इन मोशन, या फिर आप कह सकते हो चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट, चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करेंट, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिकली जब हम डिफाइन करेंगे तो मैथमेटिकली जो होता है करेंट की बात करेंगे तो करेंट जो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा हमारा करंट का लगेगा, याद कर लो एक बार फिर से रिपीट कर लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर्टिकुलरली बोलेंगे हम लोग। करंट को हम लोग जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पर कैपिटल आई यूज करेंगे, जनरली हम कैपिटल आई यूज करेंगे, तो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप आगे 11 12th में जाओगे तो आप करोगे आई इक्वल टू जनरली डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू जनरली करोगे डी क्यू बाई डी टी, ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट या एवरेज करंट की बात करेंगे, एवरेज करंट की बात करेंगे तो ये आई एवरेज की बात करेंगे, तो टोटल फ्लोन चार्ज, टोटल चार्ज मूव या फ्लोन टू स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ओके, वंस अगेन रिपीट करते हैं, करंट क्या होता है, करंट का क्या हमारा यूज है अपने डेली लाइफ में, सिंपली समझ सकते हो कि इस कोरोना टाइम में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम इस तरह से वीडियो लेक्चर आपको पहुंचा नहीं सकते थे, कितना वाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए, ये आप समझ रहे हो कि सारे जो है फंक्शन घर बैठे हमें मिल जाता है, सारे फैसिलिटी ये ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी मिल पाता है। ओके, सो हम लोग सब जानते हैं करंट की वाइटलिटी के रिगार्डिंग, सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, करंट क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है तो स्पेस में करंट जनरेट करता है, या फिर सिंपली कर सकते हो चार्ज मोशन कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, चार्ज मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट। मैथमेटिकली करंट को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जनरली आई ये वाला टर्म जो है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हम जब 12th में जाएंगे 11th में जाएंगे तो जनरली हम इसी से डील करेंगे, बट हमें जो है 10th में जो है जनरली ये वाला आई एवरेज वाला डील करना पड़ेगा। ओके, ये बात हम नोट कर लेते हैं यहीं पे, और जिसको कॉपी करना है एक बार अच्छे से कॉपी कर सकते हो इसको, देखो सो इसको हम मिटा रहे हैं। तो दूसरी बात हम करेंगे करंट की बात करेंगे तो आई एवरेज इक्वल टू होगा क्यू बाय टी। फॉर एग्जांपल के लिए एक 20 कूलम चार्ज, 20 कूलम चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इन 10 second, then you have to calculate what is the magnitude of current and what is the magnitude of current. Simply आप solution को देखेंगे तो solution क्या बोलता है जी, solution बोलता है Q equal to है 20 कूलम, टाइम इंटरवल है डेल्टा t की बात करें तो 10 सेकेंड, और सो यहाँ पे I की बात करेंगे तो I एवरेज इक्वल टू होता है Q by डेल्टा t, सो 20 कूलम डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। ओके, याद रखेंगे 2 एम्पियर का करंट जो होता है अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला, अच्छा खासा मैग्नीट्यूड वाला होता है, जनरली कैमरा मोबाइल या फिर हमारा बल्ब लाइट बल्ब जो है वो मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर इस पे चलता है, 2 एम्पियर का करंट लार्ज मैग्नीट्यूड का करंट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, जनरली हम लोग जो यूज करते वो मिली एम्पियर में होता है। ओके, सो एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, आई एवरेज इक्वल टू क्यू बाई टी, ए इक्वल
क्या पर एक न्यूमेरिकल देंगे, अगर कोई पूछेगा 20 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू 10 सेकंड में फ्लो करता है तो वायर में कितना करंट होता है आपको बताना है। तो सिंपली आप I इक्वल टू Q बाय T कर दोगे, I इक्वल टू Q बाय T कर दोगे। ठीक है बच्चों, एक बार देखो इसको, नोट करो जल्दी से, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, इसे A इक्वल 20 C चार्ज फ्लो थ्रू ए वायर, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछे A 2 मिली एम्पीयर ऑफ करंट, 2 मिली एम्पीयर ऑफ करंट हैज बीन flown through a wire for 5 minutes. Then calculate the charge from through wire. सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्या होगा आपको पता है। यहाँ पर आई गिवन है 2 मिली एम्पियर, मिली करने का मतलब याद रखेंगे 2 × 10⁻³ एम्पियर। ओके, मिली का होता है 10⁻³, 10⁻³ आप याद रखोगे अगर चार्ज को कूलम में बताना है तो। 5 मिनट करने का मतलब होगा, 5 मिनट करने का मतलब क्या होगा हमारा बताओ, 5 × 60 = 300 seconds। इट मीन ये आई हो गया, ये टाइम हो गया, चार्ज की बात करेंगे तो आई इंटू टी होगा। एज आप जानते हो कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, सो क्यू इक्वल टू आई बाई टी, आई इंटू टी लिख सकते हो। ओके, सो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमें हमने बताया था कि I इक्वल टू क्यू अवर टी, सो इट मीन Q इज इक्वल टू आई टाइम टी। सो आई हमारा एम्पियर में इतना होगा और टाइम हमारा सेकेंड में इतना होगा। जनरली ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो सब कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारे यूनिट स्टैंडर्ड में होने चाहिए। सो 5 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे और मिली एम्पियर होगा तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूले में मूव करेंगे। तो चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻³ × 300 कूलम। सो Q जो हो जाएगा 6, देखो ये 10⁻³ है और ये 6 × 10⁻¹ कूलम और आपका सिर्फ 0.6 कूलम ऑफ चार्ज जो है फ्लो किया है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। 2 मिली एम्पियर ऑफ करंट हैज बीन फ्लो थ्रू अ वायर फॉर 5 मिनट, देन कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू वायर। सिंपल है, सबसे पहले क्या गिवन है, करंट गिवन है, नोट करो क्या गिवन है और टाइम गिवन है, नोट करो। पूछ क्या रहा है जी, हमें पूछ रहा है चार्ज, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है उसको भी नोट करो, चार्ज पूछ रहा है। अब हम
चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम हो जाएगा। सो चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम पुट करेंगे तो ये चार्ज का आंसर हमें आ जाएगा। सो होपफुली हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई इतना कम से कम समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए, करंट क्या होता है, करंट का चार्ज और टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, चार्ज का करंट और टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। सो इसको समझ लीजिए इसको अच्छे से, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको समझ लेंगे बच्चे, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। नेक्स्ट जो है हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इस तरह से भी आ सकता है एग्जांपल क्या, सो ये टोटल चार्ज ऑफ टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू कंडक्टर इज 1.25 कूलम। टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर इज 1.25 कूलम। एंड देयर का इफ करंट थ्रू कंडक्टर, दैट कंडक्टर जो होगा इज मान लेते हैं इसको 1.50 मिली एम्पीयर। If current through that conductor is 1.50 milliampere, then calculate the time for which current is flown in the conductor। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा ये सब बेसिक इस तरह के तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। I equal to Q by T जानते हो तो एक बार क्या पूछ देगा, I equal to Q by T पूछ देगा। दूसरा बार क्या पूछ देगा, Q equal to I into T पे पूछ देगा। तीसरा बार क्या पूछ देगा, T equal to Q by I, as I equal to solution के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या given है, Q है आपका 1.25 कूलम, टाइम करंट है आपका 1.5 मिली एम्पीयर, मीन 1.5 × 10⁻³ एम्पीयर। एंड टाइम पूछ रहा है तो टाइम को सेकंड में बताना है तो अलग बात है, उसको कभी कभी मिनट में भी पूछ देगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में काउंट कर लेंगे, सेकंड में काउंट करने के बाद फिर उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग होशियार होते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो T इक्वल टू क्यू बाई आई लिखेंगे, एज क्या होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी। सो T इक्वल टू क्यू बाई आई होगा, T की बात करेंगे तो जी 1.25 डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁻³, इट मीन ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1.25 बाय 1.5 और ये 10⁻³
इसको डेसिमल पर हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125/150 दैट इज 5/6 × 10³ सेकंड। ओके अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो टी की बात करेंगे तो ये 5000 / 6 × 60 मिनट। ओके हम यहाँ पे इसे ही जाने देते हैं, आप लोग इसको और भी सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, सो इसको हम ध्यान रख लेंगे। ठीक है जी बच्चे, बोलो हाँ ना। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा, आप लोग सभी होशियार हो, सभी एकदम से अच्छे बच्चे हो। तो यहाँ तक हम रह देते हैं, उसके बाद आगे आते हैं नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको मिटा दें, एक बार आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हो, इसको एक बार पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए बच्चे तो यहाँ तक, इसके आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो नया टॉपिक होगा हमारा रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग। नया टॉपिक है रेजिस्टेंस जो कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा सा इसका पोर्शन है हमारे टेंथ में, इसको समझ ले रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके रेजिस्टेंस सिंपली जैसे कि अभी आप लोग जैसे कि लॉकडाउन है, रिस्ट्रिक्शन है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बाहर जाना है, अगर आप जब बाहर खेलने जाओगे तो मम्मी पापा या जो भी पेरेंट्स हैं वो रोकेंगे, बाहर गए तो पुलिस वाले रोकेंगे, यही सब रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि प्रतिरोध। ओके फिर भी आदमी कोई ना कोई जा ही सकता है खेलने को, ऐसा नहीं है चोरी छुप के जाता ही है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्चुअली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को जो अपोज करेगा या फिर फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके यहाँ पे फिजिक्स में रेजिस्टेंस करने का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में रेजिस्टेंस करने का मतलब जो फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। सो ये याद रखेंगे, इट इज डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू it due to which it opposes the flow of charge through it or flow of current through it। ओके इसका ऐसा यूनिट होता है, याद रखेंगे हम लोग, ये ग्रीक में उल्टा ग्रीक में ओमेगा होता है बट इसको ओम पर पढ़ा जाता है। ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने ओम्स लॉ दिया था रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, सो उसके नाम पे ही इसका यूनिट जो है ओम्स पड़ा है। ओके रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। सिंपल रेजिस्टेंस की बात करें डेफिनेशन क्या होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच
it opposes, due to which it opposes the flow of charge or flow of current. ठीक है जी, इसको हम याद रखेंगे। ऐसा यूनिट होगा ओम, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझ इसको याद रखेंगे। अब ओम्स लॉ की बात करेंगे, पहले ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स एक साइंटिस्ट रहा है, एक साइंटिस्ट रहा था, और उसके बाद उसने एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या बताएगी? काफी फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, ये फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, ये फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, ये फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, ये फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, देन then एक पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में इसने रिलेशनशिप बताया था, then करंट थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस पे हम बाद में आएंगे, अभी इसको एज इट इज रखें। इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब जनरली यहाँ पे टेम्परेचर था, ओके, देन करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। एक बार फिर से देखो, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट देन करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। याद रखेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। याद रखोगे आप लोग, कैपिटल वी जो होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है आर होता है, और करंट का सिंबल जो होता है आई होता है। याद रखें, करंट का सिंबल क्या होता है? आई होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का वी होता है। ओके, ठीक है बच्चे, सो इसको हम याद रखेंगे। अब क्या है ओम्स लॉ, क्या कहता है? इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट देन करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। चलिए ठीक है जी, सो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो ये जो होगा, मान लो कि एक कंडक्टर है, उसने कंडक्टर के क्रॉस क्या किया, बैटरी लगाया, बैटरी, और इसमें कंडक्टर में बैटरी लगाया, इसका कुछ रेजिस्टेंस है आर, और इसमें मान लो कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, और इसको हम जनरली जो है एमीटर से, एमीटर क्या होता है आगे पढ़ना है हमें, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे एमीटर को। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सा सर्किट है, आप इसमें एक स्विच भी रखना चाहते हैं तो स्विच रखेंगे, एक एलिमेंट हम किस एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम अगले क्लास में करवा देंगे। अभी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, और उसके बाद कौन सा सिंबल किसके लिए यूज करते हैं वो सब अच्छे से एक बार फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर ये समझ लेंगे कि कोई कंडक्टर है, वायर है, या फिर कुछ भी है, रेजिस्टर बल्ब है या ट्यूब है या व्हाटएवर भी, उसके क्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट किया स्विच के थ्रू, और एक एमीटर जो है करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज कर लिया। ओके, सो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहता है टेम्परेचर, फिजिकल कॉन्स्टेंट जो है टेम्परेचर, याद रखेंगे इसको, टेम्परेचर की जो है कॉन्स्टेंट है बेसिकली, फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब वॉल्यूम, सॉलिड में वॉल्यूम लगभग कॉन्स्टेंट ही रहेगा, प्रेशर भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, जो सबसे इफेक्टिव जो होता है पैरामीटर टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को अगर कॉन्स्टेंट रखें तो करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, और आप इसको ही वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बोल सकते हो, और वी इज इक्वल टू हम बोलते हैं आर इनटू आई। ओके, ये होता है ओम्स लॉ, ये होता है हमारा ओम्स लॉ, सब लोग याद कर लोगे इसे। ओम्स लॉ क्या होगा, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आर आई। ओके, ये ओम्स लॉ है और ये स्टेटमेंट होता है सिंपल सा। मैं आपको लैंग्वेज नहीं पता है तो सिंपल सा ये दो लाइन आप याद रखेंगे, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट देन आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, और उसको वी इज प्रोपोर्शनल टू आई कर सकते हैं, वही से आता है वी इक्वल टू आई आर। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको मिटा के हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो ये सर्किट होगा ओम्स लॉ का, क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, थैंक यू।